हमारा YouTube चैनल बगड़ाओ टीवी सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। पथिक सेना संगठन राजस्थान की ओर से विजय सिंह पथिक की जयंती 27 फरवरी को जयपुर के वीर विक्रम सिंह गुर्जर छात्रावास में मनाई गई। कार्यक्रम की शुरुआत में समाज के लोगों ने पथिक जी के चित्र पर पुष्पांजलि अर्पित की। कार्यक्रम संयोजक पथिक सेना संगठन के प्रदेशाध्यक्ष शंकर सिंह बजाड़ और जयपुर शहर अध्यक्ष रोहित चेची थे। कार्यक्रम में संजय बाफना, खाद्य विभाग के असिस्टेंट डायरेक्टर रामफूल गुर्जर, मोहन वर्मा, मोहनलाल बागड़ी, चंद्रशेखर बसवा, गोविंद हांकला, महेंद्र चेची, हनुमान चावड़ा, अमर सिंह, कानाराम विधुड़ी, मनराज गुर्जर, बाबूलाल गुर्जर, महादेव गुर्जर, सीताराम गुर्जर, फूलचंद गुर्जर, श्रीराम गुर्जर और सुरेश गुर्जर सहित समाज के अनेक गणमान्य लोग उपस्थित रहे। कार्यक्रम में वक्ताओं ने पथिक जी के जीवन पर प्रकाश डाला और उनके पद चिन्हों पर चलने की अपील की। जो भी कोई आता है आपके बीच कोई बात कहके जाता है, उसके कोई ना कोई मायने जरूर होते हैं, उसके पीछे कोई कारण होते हैं और बहुत सी चीज़ें ऐसी होती हैं जो बड़े लोग या सीनियर लोग बोल के जाते हैं, वो हो सकता है आज हमें समझ में नहीं आती है। हमारे माँ बाप, हमारे बुजुर्ग घर में बहुत सी बातें हमें बताते हैं लेकिन हम लोग कई बार उन्हें अनदेखी कर देते हैं। ये कह देते हैं जी आप समझते नहीं, अरे भैया उन्होंने पूरी ज़िंदगी निकाली, तुम इतने से पैदा हुए थे, इतना बड़ा कर दिया, वो क्या नहीं समझते, सब समझते हैं लेकिन उनकी बात, उनकी मंशा, आपको जो बात कह रहे हैं उसके पीछे क्या मनोदशा है वो आप नहीं समझ सकते, हम नहीं समझ सकते लेकिन वो जो बताते हैं वो हमारे जीवन को सही दिशा में वो चल सके, इसलिए वो बातें, वो चीजें हमारे को बताते हैं। विजय सिंह जी पथिक पारिवारिक पृष्ठभूमि के बारे में मेरे से पूर्व ऋषि राज जी ने आप लोगों को बताया। आज हमारे देश की आबादी 125 करोड़ से ऊपर है और हम पूरे देश में गुर्जर समाज की आबादी 11 करोड़ से ज्यादा पता लेकिन इतने सारे, इतनी संख्या में लोग हैं, लोग हजारों रोजाना पैदा होते हैं और हजारों लोग रोजाना मरते हैं लेकिन पथिक जी जैसे लोग बहुत कम होते हैं जो कि एक युग प्रवर्तक के रूप में पहचाने जाते हैं। सहिका वर्मा साहब ने कि कहीं पे भी न कहीं संकलित साहित्य है, न कहीं लाइब्रेरी है, न कहीं संस्थानों के नाम है और आज आपने एक बार पढ़ा होगा सुबह, निश्चित रूप से आप सब जागरूक हो, आप सब ने पढ़ा होगा सुबह, मन बहुत व्यथित हुआ कि आखिर ऐसे हमारे कोई ऐसा क्या श्राप लगा हुआ हमें कि हम हमारे मकसद में कामयाब नहीं हो पाते। मेहनत करते हैं, मांग भी रखी है कई बार संगठनों की अपने सबके सामने आई लेकिन कोई जमीन इनके नाम से या हमारे समाज के नाम से हमें, हमारे अपने जनप्रतिनिधि होते हुए भी दोनों ही सरकारों में हम नहीं ले पाए। ये जागरूक होते हुए भी ऐसा क्या कारण है कि हम अपने मकसद में सफल नहीं हो पाते हैं, इस पर भी हमें चिंतन मनन करने की ज़रूरत है। जहाँ कहीं इस संगठन की बात है, हम सब पूरे संगठन मिलकर के
एक सामाजिक एकता के साथ में, जागरूकता के साथ में इन सब चीज़ों को भी हम उठाएं कि कहीं तो हमें बैठने का स्थान हो। आज अनेक कुर्बानियों के बाद में आज इस जगह पे हम बैठ पाने में सफल हुए हैं। पहले बहुत कुछ हमसे छीना जाता है और एक तिनका सा हमें दिया जाता है। इनके दादा भी क्रांतिकारी रहे, पिता भी क्रांतिकारी रहे, उनकी माँ भी क्रांतिकारी रही, उसके बाद पति जी भी अपना पूरा जीवन इसी में बदला। साथ में आखिरी जीवन जो उनका तो निकला ही, उनकी पत्नी जानकी देवी जो थी, वो उन्होंने कितना कष्ट सहा, बड़ा असहनीय कष्ट सहा, जिनको किसी ने भी संभाला नहीं। सरकारें तो खैर संभालती नहीं है, चाहे कांग्रेस की हो चाहे कोई भी हो, ये एक बड़ी विडंबना है। लेकिन साथ में उन्हीं को दोष, सरकारों को दोष नहीं देता हूँ, हम समाज के आदमी भी दोषी हैं कि कम से कम हम समाज के इकट्ठे होकर के SMS में जाकर के कम से कम उनको देख तो सकते थे। अभी मेरे पूर्व वक्ता चर्चा कर रहे थे समाज के अंदर और जरूरी संगठन है, संगठन होना कोई बुरी बात नहीं है, जागरूकता भी बढ़ती है, क्योंकि कुछ लोग ये सोच के बैठ जाएँ काम करने वाले हम ये दूसरे लोग काम ही नहीं करें, निष्क्रियता होती है, इसलिए कोई बुरा नहीं। लेकिन जैसा अभी बताया, सबको मिलकर अच्छे कार्यक्रम जो होते हैं उनके अंदर सबको सक्रिय भागीदार निभानी चाहिए। हमको दूसरों को बुलाने के साथ साथ ये विचार करना चाहिए कि और कार्यक्रम में हम भी जाएँ और वो भी आएँ, तब हमारी सामाजिक एकता बढ़ेगी। जहाँ तक जमीन की बात है, एम पी साहब, रमदी जी, मैं खुद स्वयं हम अरुणी चंद्र जी के पास गए थे, अलवाल जी के पास गए थे, आज उनको सुझाव दिया, क्योंकि उनसे मैं समझता हूँ बैठ के जल्दी और मुझको निर्णय लेने वाले हैं कि अपने समाज को और जयपुर के अंदर जमीन मिले। आप सब लोगों ने, भाई शंकर जी ने हम लोगों को बुलाया और अच्छी बात है, समय समय पर जब भी याद करोगे हम आएंगे। जब तक एजुकेशन की तरफ जाने देंगे आप, जब तक IAS और RS तैयार नहीं करेंगे आप, जब तक कोचिंग पर ध्यान नहीं देंगे आप, बच्चों की पढ़ाई के लिए उनकी सुविधाओं के ऊपर ध्यान नहीं देंगे, जब तक ये जो प्लेटफॉर्म है यदि बच्चों को उपलब्ध नहीं करवा पाएंगे, कुछ भी कर लें समाज डेवलप नहीं हो सकता। समाज डेवलप के लिए हमारे को एजुकेशन पर ध्यान देना ही पड़ेगा। हमारा ये हॉस्टल 1983 का बना हुआ, शायद पिछले 10 साल में यहाँ कोई काम नहीं हुआ। मैं जब यहाँ आया था 2-3 महीने पहले, एक भी खिड़की यहाँ की साबित नहीं थी, एक भी कांच साबित नहीं था, एक गेट साबित नहीं था। शायद यहाँ की व्यवस्थाएं, इतना बड़ा समाज और इतने बड़े समाज में इतने सक्षम लोग, उसके बाद में एजुकेशन पे ध्यान किसी ने दिया। तो मेरा हाथ जोड़ के यही निवेदन है कि जब तक एजुकेशन पे ध्यान नहीं देंगे समाज डेवलप नहीं करेगा। जिस आदमी ने स्ट्रगल किया, मेहनत किया, त्याग किया, ईमानदारी से और कर्तव्य निष्ठा से आगे बढ़े, वही आदमी महान कहलाए। तो युवा शक्ति से कहना चाहूंगा, मेहनत करें, त्याग करें, तपस्या करें, पढ़ाई करें, तभी आगे बढ़ेंगे। धन्यवाद। आदरणीय पधारे सभी महानुभावों को मेरा नमस्कार। आज विजय सिंह जी पति के 136वीं जयंती पर आप टाइम लगेगा थोड़ा सा, जो सौभाग्य दिया है, आशीर्वाद दिया है, उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद।